पण संदीप, सगळ्यात काल चुरशीची लढत पाहायला मिळाली ती औरंगाबाद मध्ये. खरं तर चंद्रकांत खैरे गेले 3 टर्म औरंगाबाद मध्ये होते, या ठिकाणी खासदार म्हणून कार्यरत होते, पण त्यानंतर मात्र इम्तियाज जलील आणि औरंगाबादचे चंद्रकांत खैरे यांच्यात काटेकी टक्कर पाहायला मिळाली आणि अगदी शेवटच्या क्षणी इम्तियाज जलील विजयी झाल्याचं दिसलं. त्यांच्याशी बातचीत केली आमचे प्रतिनिधी सिद्धार्थ गोदाम यांनी. औरंगाबाद मध्ये वंचित बहुजन आघाडीचे MIM चे उमेदवार इम्तियाज जलील हे विजयी झालेले आहेत आणि औरंगाबादच्या इतिहासामध्ये एक वेगळा विक्रम झालेला आहे. इम्तियाज जलील यांची जी आहे या ठिकाणी विजयी यात्रा आहे. जवळपास आता 1:30 जलील साहेब काय म्हणाल, तुमच्या चेहऱ्यावरचं हास्य सगळं काय सांगताय, रंगून गेलाय का रंगामध्ये? यकीनन मैं ये समझता हूँ कि पिछले कई सालों से, या ये कह सकते हैं कि तकरीबन पिछले 30-40 सालों से लोगों को, औरंगाबाद की जनता को इस दिन का इंतज़ार था और ये शुरुआत दिन से हुई थी और रात आधी हो गई है, उसके बावजूद भी आप सड़क के ऊपर देख रहे हैं. ये एक ऐसा दिन है कि जो मेरे हिसाब से औरंगाबाद के इतिहास में हमेशा याद रहेगा, क्योंकि लोगों ने अपना खासदार आज चुन कर दिया है. अपना एक ऐसा खासदार जो सिर्फ शहर के विकास के बारे में बात कर रहा है, जो शहर की तरक्की के बारे में बात कर रहा है. कि अभी तो रात में जुलूस निकल रहा है लेकिन एक नई सुबह आने वाली औरंगाबाद. जी यकीनन, देखिए औरंगाबाद दुर्भाग्यवश कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से बहुत पीछे हो गया है और इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो मैं समझता हूँ वो लीडरशिप औरंगाबाद की, जो कभी भी औरंगाबाद को आगे आने नहीं दिया. वो खुद बहुत आगे चले गए लेकिन औरंगाबाद को बहुत पीछे छोड़ दिया है. अब हम आए हैं, हमारी कोशिश ये रहेगी कि औरंगाबाद की पूरी जनता, पूरी आवाम, सबको साथ लेकर हम आगे लेकर चले औरंगाबाद. तुम्ही तुमचा विजय औरंगाबादच्या जनतेला बहाल करता है, याचं कारण काय नेम? देखिए ये वही जनता है जिसने 28 दिनों के अंदर एक खासदार को चुनकर दिया है. एक खासदार को चुनकर देने के लिए, खासदार की तैयारी के लिए लोग सालों साल मेहनत करते हैं. 28 दिन पहले जब बाड़ा साहब अंबेडकर जी और अवेसी साहब ने ये फैसला किया कि हम इलेक्शन लड़ेंगे औरंगाबाद से, तो लोगों को यकीन नहीं था कि 28 दिन के अंदर भी कोई खासदार बन सकता है, लेकिन यही औरंगाबाद की जनता है जिन्होंने साबित करके दिखाया. लेकिन ये फक्त तुम्हाला दलित मुस्लिमांची मतं पडली का, इतर लोकांनी, हिंदूंनी पण तुम्हाला मतं दिल्याचं या ठिकाणी दिसतंय? देखिए मुझे बहुत अभिमान है औरंगाबाद के शहर की जनता का. जब हम माइन्यूट डिटेल्स के अंदर जाएंगे कौन कौन से इलाके में, तो ऐसे कई इलाके मिलेंगे जहां से ये साबित होगा कि इम्तियाज जलील को औरंगाबाद का सिर्फ दलित समाज या सिर्फ बहुजन समाज या सिर्फ मुसलमान समाज ने नहीं दिया, औरंगाबाद का हर वो शहरी जो इस शहर से मोहब्बत करता है, वो किसी भी जात और किसी भी धर्म का हो, उसने हमें वोट दिया है. आता काय नेमके आव्हान असणार आहे तुमच्याजवळ, आता खासदार तर तुम्ही झालाच आहे. देखिए औरंगाबाद शहर को आगे ले जाएंगे, खूबसूरत बनाएंगे और एक अमन का और शांति का शहर बनाएंगे, ये हमारी प्राथमिकता है. एक नवीन पहाट औरंगाबाद शहराला पाहायला मिळणार आहे अशा पद्धतीचे एक वक्तव्य इम्तियाज जलील यांनी केलेलं आहे. सुधीर जाधव सह सिद्धार्थ गोदाम, न्यूज 18 लोकमत, औरंगाबाद.